दोस्तों, आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक। इसे इंग्लिश में वन वर्ड कहते हैं और ये हिंदी में अधिकांश पूछा जाता है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आपको इसमें कुछ विकल्प दिए रहेंगे, उन विकल्पों में से आपको सही जो विकल्प हो वो चुनना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, और ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। चलते हैं, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जो पहले कभी ना हुआ हो। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए कहा जाता है क्या, अभूतपूर्व। क्या कहा जाता है, अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक। तो इस हिसाब से कौन सा पार्ट सही है, बी पार्ट पूरी तरीके से सही है, ठीक। अगर आप देखना चाहें तो व्याख्या भी देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से आपको बताया गया है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए अभूतपूर्व, जो उपमा रहित हो उसके लिए अनुपम, जो पुराना हो वो कैसा, अपूर्ण। तो इस तरीके से ये अन्य भी चीज़ें बताई, और अद्भुत, जिसके समान कोई ऐसा हो ना, तो अद्भुत मतलब बड़ा अजीब टाइप का। चलते हैं अगला और नेक्स्ट यानी दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, तो जो कहा ना जा सके उसको कहते हैं अकथनीय। क्या कहते हैं, अकथनीय, ठीक। अक्षम्य क्या होता है, जिसे क्षमा ना किया जा सके। अजर क्या होता है, जो कभी बूढ़ा ना हो। अगम का है, जहाँ कभी पहुँचा ना जा सके, ठीक। तो इसमें पूछा था जो कहा ना जा सके उसके लिए अकथनीय होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं अगर इसमें टिक लगाएंगे तो ये देखिए अकथनीय। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल, तो इसके लिए कौन सा शब्द होगा, तो समयानुकूल। कौन सा होगा, समयानुकूल। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए जो वर्ड आएगा वो सर्वज्ञ। सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता हो। कृतज्ञ वो जो उपकार को माने, ठीक। अगला देखते हैं नेक्स्ट, तो इसमें कौन सा विकल्प सही, सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या बोलते हैं, सुग्रीव। ध्यान रखना, जिसकी गर्दन क्या हो, सुंदर हो, उसके लिए सुग्रीव, यानी कौन सा पार्ट सही है, डी पार्ट हमारा पूरी तरीके से सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है लौकिक, लौकिक शब्द किसके लिए आएगा, तो लौकिक मतलब होता है कौन सा वर्ड होगा जो लौकिक को पकड़ेगा, यानी लौकिक को बताएगा। तो ध्यान रखना, जो इस लोक की बात हो उसके लिए होता है लौकिक, जो इस लोक की बात हो। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भी साथ में लगाते चलिएगा कि आप अपनी नज़र से कौन सा कर रहे हैं, और ये चेक करने का प्रयास करें कि मेरा सही हो रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाएगा, और देखिए किस पेपर में पूछा गया, ग्राम पंचायत परीक्षा में, यानी वीडियो की परीक्षा में पूछा गया। अधिकतर क्वेश्चन सब किसी न किसी एग्जाम के पूछे गए होंगे, आपको वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं कि दोबारा वो क्वेश्चन बने तो आपसे छूटे ना। तो स्त्री और पुरुष के जोड़ा को बोलते हैं दंपति। क्या बोलते हैं, दंपति, ठीक। युगल तो वैसे तो युगल है, लेकिन युगल किसी के भी जोड़े को बोल सकते हैं, युग्म किसी, लेकिन जब स्त्री पुरुष का जोड़ा हो तो उसके लिए दंपति ही सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या बोलते हैं, तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को वो बन जाता है एक्ट। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। तो कौन सा ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या बोलते हैं, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को बोला जाता है क्या, नवीनीकरण की, आधुनिकरण की, पारस्परिक। तो इसके लिए आपको बता दें कि
कि कौन सा नवीनीकरण। देखिए अगर आपने आधुनिकीकरण में लगाया तो आपका क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, यानी नवीनीकरण जो होता है किसके लिए, कार्य को नए ढंग से करने के लिए नवीनीकरण। आधुनिक मतलब आधुनिक हिसाब से है, लेकिन जब नए ढंग से, आधुनिक मतलब होता है इस समय के अनुसार, किस समय के अनुसार, इस समय के अनुसार, और नवीनीकरण नए ढंग से, तो इस हिसाब से सी पर। चलते हैं अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, क्या कह रहा है कि निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र कौन सा है, अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र कौन सा है। तो आपको बता दें कि इसमें है अनुस्मारक। कौन सा है, अनुस्मारक। ये देखिए, ठीक, ये देखिए कह रहा है निश्चित समय के भीतर उत्तर प्राप्त ना प्राप्त होने की दशा में अनुमोदक के रूप में भेजा जाए, उसे अनुस्मारक कहते हैं। चलते हैं अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने कितने अभी 10 क्वेश्चन ये किए हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। क्या कह रहा है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए देशद्रोही होता है। क्या होता है, बागी वो होता है जिसने, मतलब जिस सताया गया हो और फिर बगावत वो कर ले तो उसको बागी कहते हैं। ठीक, विश्वासघाती जिसने विश्वास न दिखाया हो, विद्रोही जिसने विद्रोह किया हो, लेकिन देश से अगर विश्वासघात कोई कर रहा है तो उसको देशद्रोही कहा जाएगा। तो कौन सा पार्ट सही है, सी पार्ट हमारा पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जंगल में लगने वाली आग, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, तो जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं बताइए आप। जंगल में देखिए इनमें आप फंस जाएंगे, बड़वा नगली, जठवा नल, हैं जठरा नल, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जंगल वाले, जंगल में लगने वाली आग को दावा नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दावा नल। अगर हमसे कह दे बड़वा लग, तो ये समुद्र में या जल में लगने वाली आग। जठरा नल, ये पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन हमारा पूरी तरीके सही है, दावा नल। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, क्या कह रहा है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो तो उसको क्या कहा जाता है, बांझ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांझ। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा विकल्प, बी विकल्प पूरी तरीके से सही है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर। कह रहा है रसाम वदान के लिए, यानी कौन सा शब्द, अनेक शब्द आएंगे, तो क्या कह रहा है रसाम वदान का, किसी रस से भरा होना, ये गलत है। ठीक, किसी रस से भरा होना क्या है, गलत। किसी विषय में मस्त रहना, ये भी गलत है। किसी रस का उपभोग करना, ये बिल्कुल सही है। रसाम वदान बोला जाता है जब किसी रस का उपभोग किया जाता है तो उसको बोला जाता है। ठीक, तो इस हिसाब से कौन सा विकल्प, सी विकल्प हमारा पूरी तरीके से सही है। चलते हैं आगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। वर्णातीत, क्या कह रहा है, वर्णातीत, इसके लिए ये एक शब्द है, इसके लिए अनेक शब्द क्या आएगा, या वर्णातीत का अर्थ क्या होता है। तो पहला देखते हैं, अतीत का वर्णन पूरी तरीके से गलत है, अच्छा वर्णन गलत है, छिपा वर्णन गलत है, वर्णन से परे को बोला जाता है वर्णातीत। चलते हैं अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की जो अपेक्षा करता है उसके लिए उत्तरापेक्षी आता है। क्या आता है, उत्तरापेक्षी, डी पार्ट पूरी तरीके से सही है। फिर कह रहा है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसके लिए क्या आता है, उसके लिए आता है अलौकिक। कौन सा, सॉरी, उसके लिए आएगा अप्रतिम। अलौकिक तो मतलब जो इस संसार में ना, मतलब लौकिक संसार में ना हो, तो इसमें ये ए पार्ट नहीं होगा। फिर से देख लीजिए,
अलौकिक नहीं होगा, कौन सा होगा? अप्रतिम। अप्रतिम का मतलब होता है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो इस हिसाब से डी पार्ट हमारा सही है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए अप्रतिम क्या होता है? अप्रतिम। चलते हैं अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है जहाँ पहुँचा ना जा सके, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसके लिए क्या होता है? तो उसके लिए होता है आगम। क्या होता है? आगम। दुर्गम जहाँ जाना कठिन, ठीक। तो इस हिसाब से कौन सा? सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो बहुत बातें करता है उसके लिए शब्द आता है वाचाल। कौन सा? वाचाल। जो बहुत बातें करता है उसके लिए वाचाल। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि को क्या लिखा जा सकता है? तो अतिवृष्टि एक शब्द होता है अनावृष्टि। एक शब्द क्या होता है? अनावृष्टि। और एक शब्द क्या लिखा है? अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत अधिक वर्षा होना। तो कौन सा पार्ट आपका सही है? ये देखिए बी पार्ट आपका सही है। और अनावृष्टि का मतलब होता है बिल्कुल भी वर्षा ना होना। यानी अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं सी पार्ट को अनावृष्टि। लेकिन फिलहाल हमारा विकल्प जो सही है क्योंकि हमसे अतिवृष्टि पूछा था। अगर आपसे दूसरा भी पूछ दे अनावृष्टि तो उसका मतलब होता है बिल्कुल वर्षा ना होना। अतिवृष्टि का मतलब अत्यधिक वर्षा होना। तो इसमें से बी पार्ट हमारा सही है, ठीक। तो इस हिसाब से हमने बी पार्ट सही किया। 20 क्वेश्चन हमने पढ़े। चलते हैं अब आगे की ओर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर हमसे क्या कह रहा है? अनुमति। क्या कह रहा है? अनुमति का इसमें से क्या अर्थ होगा? तो अनुमति का अगर देखा जाए, आप स्वयं देखिए, तो इसका होगा कि किसी कार्य के लिए सहमति देना। ये देखिए कौन सा पार्ट? पहला कह रहा है किसी कार्य की आज्ञा देना, गलत है। किसी कार्य के लिए निर्देश देना, गलत है। किसी कार्य के लिए आदेश देना, गलत है। ये पार्ट पूरी तरीके सही है। किसी कार्य के लिए सहमति देना ही होता है अनुमति, ठीक। तो कौन सा सही? डी पार्ट हमारा पूरी तरीके सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है? अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित के लिए कौन सा शब्द इसमें से आएगा? तो आपसे बता दें, देखते हैं, किसी पर आश्रित होना गलत है, ठीक। फिर कह रहा है किसी पर आश्रित ना होना गलत है। किसी दूसरे पर आश्रित होना ये पूरी तरीके सही है। इसके लिए आता है अन्योन्याश्रित, ठीक। किसी को आश्रित बना देना ये भी गलत। तो कौन सा पार्ट सही? सी पार्ट हमारा पूरी तरीके से सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह सायंकालीन बेला जब पशु वन को चर कर लौटते हैं। तो सायंकालीन बेला के संबंध में पूछा। तो सायंकालीन बेला को कब? जब पशु वन से चर कर लौटते हैं तो उसके लिए गोधूली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोधूली। इस तरीके से लिखा जाएगा गोधूली। तो हमारा कौन सा पार्ट सही है? ए पार्ट हमारा पूरी तरीके से सही है। आगे कह रहा है जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। तो जो दूसरों के सहारे अगर जीवित रहे उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा बताइए? परावलंबी या पराश्रित या परोपजीवी या पराधीन, बताइए कौन सा वर्ड आएगा जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, ठीक। दूसरों के सहारे पर जीवित रहे तो उसके लिए क्या आएगा? परोपजीवी। क्या आएगा? देखिए, अगर हमने पराश्रित लगाया तो गलत है। इसका मतलब ना पराश्रित होगा, ना पराधीन होगा, ना परावलंबी। पराधीन तो मतलब जब दूसरों के अधीन हो, पराश्रित मतलब जब किसी के आश्रय में हो, और परोपजीवी जब यानी किसी दूसरे के सहारे जीवित रहा जाए, ठीक। तो कौन सा पार्ट सही है? ध्यान रखना, एक होता है स्वजीवी, स्वयं के सहारे। तो इसमें बी पार्ट पूरी तरीके से सी पार्ट पूरी तरीके से सही है, परोपजीवी। चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
अगला कह रहा है किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार को क्या कहते हैं? अनुग्रह। क्या कहते हैं? अनुग्रह। किसी के प्रति उदारता कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और पूछा भी गया बीएड 2000। दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो आपसे बता दें घाटी कहा जाता है। उपत्यका तो जो दो पर्वतों की यानी ढलान जो होती है नीचे की श्रेणी उसके, और जो बीच की भूमि है उसके लिए घाटी आएगा। तो कौन सा सही? हमारा बी पार्ट सही। ठीक, देखिए व्याख्या में दिया भी गया है। क्या दिया है? दो पर्वतों के बीच की अगर भूमि के लिए क्या होगा? घाटी। और पर्वतों के नीच की तलहटी की भूमि के लिए क्या होगा? उपत्यका। क्या होगा? उपत्यका। तो इनको ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिसे पर करना, गलत लिखा है इसमें थोड़ा, जिसे पार करना यहाँ पे होना चाहिए था, जिसे पार करना कठिन हो। तो जिसको पार करना कठिन हो उसके लिए क्या आएगा? आप स्वयं बताइए उसके लिए क्या आएगा? निगम आएगा? नहीं, निगम नहीं आएगा। आगम आएगा? नहीं। दुर्गम, दुर्गम जिसमें जाना, जिसे पार करना कठिन हो। तो सी पार्ट हमारा पूरी तरीके से सही है। कौन सा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शत्रु की हत्या करता है तो उसको बोलते हैं शत्रुघ्न। क्या बोलते हैं? शत्रुघ्न। तो इस हिसाब से ए पार्ट हमारा पूरी तरीके से सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिसके आर पार देखा जा सके, तो जिसके आर पार देखा जा सके उसको बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं? पार, दूरदर्शी, जो दूर की देख ले। तो इस हिसाब से हमारा बी पार्ट पूरी तरीके से सही है। चलते हैं अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाले के लिए दीर्घदर्शी गलत है, अदूरदर्शी गलत है, विलंबी गलत है, दूर्घसूत्री बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे यानी कौन सा पार्ट सही है? आपसे बता दें डी पार्ट बिल्कुल सही है। और आपसे बता दें इसी तरीके से हमने ये 30 प्रश्न किए हैं जो कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द से थे, यानी वाक्यों के लिए जो कि अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अधिकतर ये जो प्रश्न पूछे हैं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो इसी तरीके से आप अन्य वीडियो देखिएगा जिससे आपको जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं वो पूरी तरीके से आपको कवर हो जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।